जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के चीची माता मंदिर के ठीक बाहर उसी फ्लाईओवर पर, जो फ्लाईओवर कुछ महीने पहले बनकर तैयार हुआ था, लेकिन कुछ ही महीनों में इस फ्लाईओवर की जो बद से बदतर हालत है वो देखने को मिली। जो फ्लाईओवर की ट्यूब जो है पूरी तरह से बैठ गई, ये वो हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्यूब टूवर्ड जम्मू वाली ट्यूब है उसी ट्यूब पर मैं मौजूद हूँ। लगातार इस ट्यूब को लेकर हमने आपको कई अपडेट्स दी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी जिन्होंने इस फ्लाईओवर को बनाया, लेकिन ऐसा किस तरह से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया था कि जो ये फ्लाईओवर की ट्यूब थी ये कुछ ही महीनों में बैठ गई। इस वाले हिस्से की अगर बात करें जो चीची माता मंदिर के सामने वाला हिस्सा है, और उसके बाद इस ट्यूब को बंद कर दिया गया और लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है इसको बंद हुए, लेकिन फाइनली एक अच्छी खबर सामने आई है और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कि उन्होंने संज्ञान लिया और 2 महीने के बाद इस ट्यूब को जो है दोबारा से सुचारू कर दिया। आप पीछे की तस्वीर साफ तौर पर देख पा रहे हैं, मैं यहां से आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने संज्ञान लिया है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, जिस तरह से ये 2 महीने से भी ज्यादा जो है इसको बंद पड़े हो गया था, वक्त हो गया था, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर इसको लेकर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा, काम इसको लेकर क्यों नहीं किया जा रहा। इसके लेकर हमने आपको जो अपडेट्स दी थी कि ये जो ट्यूब, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा जो वो जमीन का बैठ गया, मिट्टी इसकी बैठ गई, और उसके बाद इसको यहाँ से जो है वो खोदा गया, गड्ढा इसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा खोदा गया, और उसके बाद टेक्निकल पॉइंट्स जो भी थे, टेक्निकली चीज़ें जो यहाँ पर काम में लाई गई, उसके बाद इसको लेकर काम किया गया, और कल शाम को ही यहाँ पर इसका काम जो वो कंप्लीट हुआ है और अब इस ट्यूब को सुचारू कर दिया गया है। तो 2 महीने से भी ज़्यादा का समय लिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस दिक्कत को हल करने के लिए। तो यानी ये तो साफ है कि दिक्कत कोई छोटी नहीं थी, दिक्कत बहुत बड़ी थी। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये चीची माता जी का मंदिर आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं, और इसी मंदिर के बाहर ये जो फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ था, और कुछ ही महीनों में फ्लाईओवर बनने के बाद ये जो टूवर्ड जम्मू वाली ट्यूब है, इस ट्यूब का ये हिस्सा जो है वो पूरी तरह से बैठ गया, मिट्टी बैठ गई, यहाँ सड़क हादसों के चांसेस लगातार बनने लगे। लेकिन उसके बाद जब इसको लेकर खबरें हमने लगातार दिखाई, उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसको लेकर संज्ञान लिया, जो भी इसके अधीन कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है उन्होंने संज्ञान लिया और 2 महीने तक इस ट्यूब को बंद रखा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम जो थी वो बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी जिसको लेकर इतना समय इन्होंने लिया, और अब फाइनली आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ट्यूब को आप दुरुस्त करके इसको लेकर यहाँ मैं आपको अपडेट जो कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अब ब्लैक टॉपिंग कर दी गई है। अब जो है वो सड़क पूरी तरह से ये लेवल में आपको दिख रही है, और यहाँ से अब जो है ट्रैफिक को सुचारू कर दिया गया, यानी अब यहाँ से ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो देखने को मिल रही है, यहाँ से तमाम गाड़ियाँ आप गुजरते नजर आ रही हैं। तो हम यही कहेंगे कि धन्यवाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि आपने जो है संज्ञान लिया और उसको लेकर काम किया। अब काम करने का जो नतीजा वो आपके सामने की गाड़ियों की जो यहाँ पर अब जो आवाजाही है वो शुरू हो गई है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो लगातार हमने इसको लेकर आपके तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जगाने की कोशिश की, और फाइनली अब चीची माता मंदिर के सामने वाला जो फ्लाईओवर का स्ट्रेच है टूवर्ड जम्मू वाली जो ट्यूब है, अब उसको लेकर दिक्कत जो है वो आपकी खत्म हो गई है। अब हम कह सकते हैं कि सफर आपका आसान होगा, लेकिन आप लोग अपनी गाड़ी की तेज रफ्तार के ऊपर जो है थोड़ा सा अंकुश भी जरूर लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं तेज रफ्तार सड़क हादसे का कारण बन जाती है और इसमें जाने जा सकती हैं, लोग इसमें जख्मी हो सकते हैं, इसको लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन तस्वीरें जो मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनली फ्लाईओवर का वो स्ट्रेच जो खराब हो चुका था, डैमेज हो चुका था, उसको जो है फिर से बहाल कर दिया गया, उसको लेकर काम यहां पर किया गया कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से, और अब यहां पर गाड़ियों की आवाजाही आप देख सकते हैं। ये एक अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर उठे थे कि आखिर
पूरे देश में जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम कर रही है, तो यहां पर ऐसा का काम हुआ कि पुल जो है वो आपने हाल ही में बनाया और हाल ही में इसकी हालत बिगड़ गई, ये सेट जो है वो इसकी जमीन जो वो मिट्टी बैठ गई, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हुए कि घटिया मटेरियल लगाया गया है। और इसको लेकर हमने ये देखा था कि धीरे धीरे सड़क लगातार बैठती जा रही थी, एक हिस्सा ऊपर से और एक हिस्सा लगातार नीचे बैठता जा रहा था, और यहाँ पर जो वो कहीं ना कहीं सड़क हादसों का ग्राफ जो है वो बढ़ने के चांसेस यहाँ पर पैदा हो गए, क्योंकि खासतौर पर ये जो हिस्सा जो आप ब्लैक टॉप हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर जो वो गड्ढे जिस तरह से बने हुए थे, तो टू व्हीलर वाले खासतौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टू व्हीलर वालों के लिए बड़ी सारी दिक्कत जो वो यहाँ पर बन चुकी थी कि आखिर टू व्हीलर वाले जब यहाँ से गुजरते थे तो उनको समझ नहीं लगती थी कि क्योंकि स्पीड में वो होते थे तो यहाँ अक्सर जो वो गिर भी जाते थे। लेकिन लगातार हमने आपको खबरें बताई, खबरें नेशनल हाईवे अथॉरिटी तक, कंसर्न अथॉरिटी तक हमने पहुंचाई, उसके बाद इसको लेकर संज्ञान लिया, हमें लगा कि शायद इसको लेकर जल्द काम किया जाएगा, लेकिन दो महीने का एक लंबा वक्फा जो है वो यहाँ पर अथॉरिटीज ने लिया, दो महीने लगा दिए इस स्ट्रेच को, जिस तरह से दोनों शोर से बंद किया हुआ था, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही को टोटली बंद कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, और उसको लेकर यहाँ पर काम शुरू हुआ। हमने ये भी दिखाया कि भाई स्ट्रेच तो आपने बंद कर दिया, दोनों तरफ से आपने जो वो बैरिकेडिंग कर दी कि यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, इसका काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन खुदाई करके उसको लिंगर ऑन किया गया, क्यों बीच में जो वो छोड़ दिया गया, इसको लेकर तो वो टेक्निकली चीजें जो वो कंसर्न अथॉरिटी थी जान पाएंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा बड़ा यहाँ पर जो वो बड़े बड़े खड्डे खोदे गए, उसके बाद खड्डे खोद कर उसको ऊपर से जो वो टेम्परेरी उसके ऊपर जो वो उसको आप सीमेंटेड कोट कर दिया गया, उसके बाद तरपाल उसके ऊपर डाल दिया गया, तो हमें लगा कि शायद अब जो काम जल्द हो जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हो सकती हैं जिसको लेकर हमें नॉलेज नहीं होगी, लेकिन अथॉरिटीज ने जिस तरह से काम किया है तो अब आपके सामने ये तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसकी लेवलिंग जो वो पूरी तरह से हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है कि अब आपकी जो यात्रा है वो सुखद हो सकती है, यात्रा आपकी अब थोड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सांबा से जम्मू की ओर जाने वाले लोग हैं वो जो है नीचे वाली लेन को जो है वो लेकर चल रहे थे, वो नीचे वाली लेन से चल रहे थे, और नीचे वाली लेन भी आपकी हालत जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि वो वहां पर भी गड्ढे पड़े हुए हैं। तो आखिर घटिया मटेरियल इस्तेमाल में ना लाया जाए, लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए, लोगों की जिंदगियों को ध्यान में रखा जाए, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर इस तरह से काम किया जाए ताकि अथॉरिटीज के ऊपर सवाल ना उठे, और जब इस तरह से घटिया काम होगा तो अथॉरिटीज के उनके ऊपर तो सवाल उठेंगे, ये सवाल उठाना लोगों का लाजमी हो जाता है कि टैक्स का पैसा, लोगों का, जनता के टैक्स का पैसा आप यहाँ पर लगा रहे हैं और उसके बाद भी काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ से जो है वो लोग इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, सवाल ये इसलिए खड़े होते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि काम हुआ, हमें ये लगा कि वाकई में इसमें जो काम हो रहा है इतनी जल्दी जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट जल्दी करने के चक्कर में जो है इस तरह से जो है इसकी हालत इतनी जल्दी बिगड़ जाएगी कि यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाएगी, लोगों को सफर करना पड़ेगा। दो महीने का लंबा वक्त लगा इस स्ट्रेच को ठीक करने के लिए, तो फाइनली हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया और जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके अधीन काम कर रही थी उन्होंने इसका जो काम है वो कंप्लीट कर दिया, ब्लैक टॉप इसको कर दिया गया। ये आप तस्वीर साफ तौर पर देख रहे हैं, ये चमकती तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि ये अभी कल ही शाम को इसका काम कंप्लीट हुआ है, तो हमने सोचा कि ये अपडेट हम आपके तक जरूर पहुंचाएं कि भाई इन्होंने काम कर दिया है, अब यहां से जो गाड़ियों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं एक आप ये कह सकते हैं कि अब इसकी मुनियाद ज्यादा हो, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि फ्लाईओवर जो चिची माता मंदिर के सामने वाला है इसकी एक ट्यूब तो बिल्कुल ठीक थी जो टुवर्ड्स कठुआ सांबा जाने वाली, लेकिन जो जम्मू जाने वाली ट्यूब जहाँ से अब ये जो गाड़ियाँ आप आती देख रहे हैं ये जम्मू की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, तो अब जो है ऐसा ना हो, उम्मीद हम यही करेंगे कि काम इन्होंने अच्छा किया होगा और दोबारा से ये यहाँ पर गड्ढे ना पड़े, दोबारा से ये सड़क ना उखड़े, हमें यही उम्मीद है कि इस तरह से काम हुआ होगा, और अगर ऐसी दोबारा से कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर तो बड़ी ही लापरवाही वाली बात होगी, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर अब जो काम किया गया है आप इसकी लेवलिंग देख सकते हैं, ये बढ़िया तरीके से लग रहा है कि यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन अगर वक्त निकल जाता है अच्छा तो बढ़िया है, अच्छी बात है। यहाँ अब ये एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जो यहाँ पर
सड़क हादसों के चांसेस यहाँ पर लगातार बने हुए थे, सड़क हादसों के चांसेस कम हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लोगों ने भी अपनी आवाज जो है वो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो प्रशासन तक, कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाई, और उसके बाद हमने भी लगातार कोशिश की कि ये बात आगे तक पहुंचाई जाए। देखिए जिस तरह से इसकी मिट्टी बैठ रही थी तो शायद ऐसा लग रहा था कि मिट्टी अच्छे से रोल नहीं हुई थी जो लगातार बैठती जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर खोदे गए, टेक्निकल टीम जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की यहाँ पर पहुंची, उन्होंने भी ये देखा कि आखिर दिक्कत कारण कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर है जो लगातार ये मिट्टी बैठ रही है, तो शायद रोल मिट्टी नहीं हो पाई थी। उसके बाद जो है वो मिट्टी को दोबारा से रोल किया गया, यहाँ से पूरा ये जो उखाड़ा गया था स्ट्रेच, इसके बाद अंदर पाइपें डाली गई थी, हमने खुद ही वो तस्वीरें देखी थी, फिर मिट्टी से उसकी भराई करके ऊपर से जो है कवर करके सीमेंटेड उसके ऊपर जो कोटिंग कर दी गई थी, उसके बाद तरपाल इसके ऊपर डाल दिया, थोड़ा वक्त लिया कि मिट्टी को जितना बैठाया जाए उतनी अच्छी बात है, तो उसके बाद जो है ऐसा लग रहा है कि तभी ये 2 महीने का समय जो है वो लगा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फाइनली संज्ञान लिया। और आज ये फ्लाईओवर की अगर दोनों तरफ की ट्यूब्स को लेकर बात करें चिची माता मंदिर के सामने, तो अब ये दोनों ट्यूब जो चल रही है, एक ट्यूब तो पहले ही स्मूथली चल रही थी कठुआ की ओर जाने वाली, अब जम्मू की ओर जाने वाली ट्यूब भी पूरी तरह से स्मूथली चल रही है। ट्रैफिक की यहाँ पर जो आवाजाही है अब वो शुरू कर दी गई है, तस्वीरें आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की यहाँ पर आवाजाही अच्छे से जो वो शुरू हो चुकी है। उम्मीद करेंगे कि ये काम अच्छा हुआ हो और अब ये जो वक्त है ज्यादा अच्छा निकले। लेकिन देखिए अभी हम आपको खबर बता ही रहे हैं, तो नीचे वाले ट्यूब भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी जो बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए थे उनको भी, गड्ढों को जो है वो भरा जा रहा है, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अथॉरिटीज ने काम जो है वो लापरवाही से किया और उसके बाद कई सवालिया निशान खड़े हुए, लेकिन उनका दायित्व भी बनता है कि उन कामों को पूरा किया जाए, वो भी लोगों के हितों को समझते हैं, लेकिन विलंब होना, लापरवाही होना, ये कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो कई सवाल उठते हैं। ये तस्वीरें आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है गड्ढों को भरने का वो भी लगातार जारी है, तो हाईवे अथॉरिटी जो है यहाँ पर इस समय काम को पूरी तरह से करती हुई नजर आ रही है, वो चाहे गड्ढे भरने की बात हो या फिर इस तरह के जो स्ट्रेच खराब हो जाते हैं उनकी मेंटेनेंस को लेकर जब बात आती है तो अब काम जो है वो होता हमें दिख रहा है। उम्मीद करेंगे कि अच्छा मटेरियल इस्तेमाल में लाया हो और इसकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी हो, किसी तरह का कोई सवाल ना उठे, यही हम आपको बताना चाहते हैं। तो फाइनली ये ट्यूब जो जम्मू जाने वाली ट्यूब है चिची माता मंदिर के सामने वो फाइनली सुचारू हो चुकी है, ट्रैफिक यहाँ से आप देख रहे हैं कि स्मूथली चल रही है, सफर अब थोड़ा आसान होगा, अब जो ट्रैफिक जाम में फंसने वाला जो मसला रहता है वो कम से कम यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगा ट्रैफिक जाम। आगे दिक्कत तो पूरे हाईवे पे इस समय बनी हुई है, लेकिन इस स्ट्रेच में अब ये ट्रैफिक जाम की जो जो ऐसी दिक्कत रहती है वो नहीं होगी, गाड़ी देखिए स्मूथली जहाँ से चल रही है। उम्मीद करेंगे जो स्ट्रेच ठीक किया गया है इसकी बुनियाद अच्छी हो, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल में लाया हो, और जो नीचे वाली लेन में आपको बता रहा हूँ वहाँ पर भी गड्ढे भरने का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शुरू कर दिया है, तो माता रानी की कृपा से ये जो काम है अब कंप्लीट हो चुका है, देर आए दुरुस्त आए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने संज्ञान लिया है, लोगों के हितों को ध्यान में रखा है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, और लोगों ने भी अपनी आवाज़ जो है वो कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाई, लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और अब फाइनली इसका काम कंप्लीट हो गया है। तो ये अच्छी खबर हम आपको बता रहे थे कि फ्लाईओवर श्री चिची माता मंदिर के सामने वाला अब पूरी तरह से सुचारू है, जो ट्यूब खराब थी उसे दुरुस्त करके यहाँ से ट्रैफिक को सुचारू कर दिया गया। बड़ी अपडेट हम आपको सांबा से दे रहे थे। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, जय माता दी।